अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नोमी टेक्निकल एंड इलेक्ट्रिकल में आपको वेलकम करते हैं। तो फ्रेंड, आज नई एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले मेरे उन भाइयों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक किया करें। तो फ्रेंड, ये हमारे पास डॉलेंस की एक वाशिंग मशीन आई है। तो पिछली वीडियो में मैंने वो जो आम वॉशिंग मशीन होती है कंपनी वाली, उसके टाइमर के कनेक्शन वगैरह पूरा पैनल बना कर समझाया था। तो इस दफ़ा ये हम इसकी वायरिंग करने लगे, मैंने सोचा भाइयों को भी बता दें। ठीक है, तो ये डॉलेंस कंपनी की वॉशिंग मशीन है, इसकी हम मुकम्मल पैनल और वायरिंग करेंगे मुकम्मल। ठीक है, तो इसमें जो टाइमर लगा होता है वो आप देख सकते हैं, वो 6 तार वाला ये टाइमर नहीं है। ठीक है, ये 7 वायर वाला टाइमर होता है। ठीक है, इसके हम कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इसमें बटन वगैरह लगे होते हैं, ये छोटा बटन लगा होता है। ठीक है, तो इसके हम सबसे पहले कनेक्शन करेंगे। तो कुछ भाई मुझे कमेंट्स करते हैं कि यार आपके कनेक्शन हमें समझ नहीं आते, तो उन भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच किया करें और स्टेप बाई स्टेप देखा करें, इंशाल्लाह आपको कनेक्शन समझ आएंगे। ठीक है, जो भाई इस फील्ड में थोड़े पुराने होते हैं वो तो समझ जाते हैं, जो नए होते हैं वो सही तवज्जो नहीं देते, इसलिए उनको समझ नहीं आते। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी समझ में भी आ जाएगा। ये इतना मुश्किल काम वगैरह नहीं होता, पर लोगों ने वैसे ही मुश्किल बनाया होता है। ठीक है, ये इंतहाई आसान होता है। ये बंदा खुद ही घर में वॉशिंग मशीन ख़राब हो तो बंदा खुद ही आसानी के साथ इसकी वायरिंग वगैरह चेक कर सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें फ्रेंड्स, ताकि मैं टेक्निकल से रिलेटेड मज़ीद वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो आप भाई सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह हम मज़ीद वीडियो आपके लिए बनाया करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ये जो वायरिंग, पुरानी वायरिंग है ये वाली, इसको हम निकाल लेंगे सारी वायरिंग को। ठीक है, एक बटन लगा रहेगा। ठीक है, टाइमर भी हम निकाल लेंगे, तो ये सारी वायरिंग निकाल लेंगे, फिर स्टेप बाई स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि ये वायरिंग किस तरह से की जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखें फ्रेंड, हमने पैनल को ओपन कर लिया है और हमने ये नया टाइमर इधर, ये बोर्ड जो है इसको बाहर निकाला है बोर्ड को, और हमने इसके ऊपर ये टाइमर वगैरह सेट कर लिया है। ये देखें फ्रेंड, टाइमर सेट कर लिया, न्यू टाइमर लगाया। तो अभी हम आपको इसको कनेक्शन आपको समझा देते हैं। ये फ्रेंड 7 वायर वाला टाइमर है, 7 वायर होती है इस टाइमर की। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले हम इन तीन वायर एक तरफ होती हैं और 4 वायर जो होती हैं वो एक तरफ होती हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारी फ्रेंड्स, हम कॉमन वायर को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो बल्कि हम इधर कोने वाली वायर से इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें फ्रेंड, नहीं तो आपकी समझ में कोई चीज़ वगैरह नहीं आएगी। तो फ्रेंड, ये हमारे पास एक वायर है, ये टाइमर की, अगर आप इधर गौर से देखें, ये टाइमर की 3 वायर हैं। ठीक है, ब्लैक और ग्रे और रेड वाली, हल्की रेड। ठीक है, और ये 4 वायर एक तरफ होती हैं। सबसे पहले हम पहली वायर से शुरू करते हैं वायरिंग। तो ये ब्लैक वायर है। ठीक है, तो ब्लैक वायर आपने घंटी के साथ अटैच करनी है। तो फ्रेंड, इसको हम वायर को इधर से छीन लेते हैं। तो ये हमारी घंटी लगी हुई है। ठीक है, हम इसके साथ वायर को अटैच कर देंगे, ब्लैक वायर को। ठीक है, तो इसके साथ हम इसके और टेप लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने ये घंटी वाली तार अटैच करनी है, तो मैं इसको टेप लगा लूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास ये जो एक वायर है, ये इसको हमने जोड़ लिया घंटी की वायर के साथ। ठीक है, तो आगे हमारे पास नेक्स्ट दूसरी वायर आ जाती है, ये हल्की जो ग्रे वायर है। ठीक है, ये वाली वायर आ जाती है, इसको हमने, हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास बटन लगा हुआ है, बटन की 3 वायरें उसके तहत अटैच हुई हैं। ठीक है, तो ये जो 2 एक साइड पे हैं और एक जो है वो अलग आएगी एक साइड में, तो ये जो है ये साइड में लग जाएगी, ये वायर 2 नंबर वाली वायर, ये बटन के एक मैन जो होता है उसमें लग जाएगी। ठीक है, ये देख लें, ये इधर हम इसको अटैच कर देंगे और ऊपर से टेप वगैरह कर देंगे। ये फ्रेंड, ये जो वायर है ये आपने
इन दो वायर के साथ नहीं अटैच करनी जो एक साथ लगी हुई है, अलग जो वायर लगी होती है उसके साथ आपने अटैच कर देनी है टाइमर की दूसरी वायर, ठीक है। तो फ्रेंड ये हमारी दो वायर, पहली दो वायर मुकम्मल हो चुकी हैं, ये आप देख लें ये दो वायर हमने इसके कनेक्शन जोड़ लिए। अभी हम तीसरी वायर, ये हमारे पास तीसरी वायर है, इसको हम वक्ती तौर पर ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये मैं आपको बाद में एंड पे बताऊंगा इसको क्या करना है, वायर को किधर लगाना है, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट दो वायर हैं, वो ये जो है रेड और येलो और रेड, ठीक है। ये दो वायर हैं हमारे पास फ्रेंड, येलो और रेड, ये हम लगाएंगे कैपेसिटर के साथ, ठीक है। तो इसको अभी हम कैपेसिटर के साथ अटैच करते हैं फ्रेंड्स। ये दो वायर जो है येलो और रेड, आप ये देख लें, ये सिरे वाली दो जो, ये वाली दो जो वायर हैं ये हमने कैपेसिटर के साथ अटैच करनी है। तो देखें फ्रेंड यहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ये 10 UF का कैपेसिटर है। बहुत सारे भाई पूछते हैं कि यार ये डॉलेंस वाली वाशिंग मशीन है, ठीक है, इसमें वो कैपेसिटर वो दूसरा लगा होता है वायर वाला, ठीक है। तो हम क्या ये वाला कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। वो दूसरा कैपेसिटर अगर आपको नहीं मिल सकता तो ये ईज़िली आपको मिल जाएगा, तो आप ये वाला लगा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। ये वाला भी वही काम करता है, वो वाला भी यही काम करता है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट दो जो वायर हैं वो कैपेसिटर के साथ हम अटैच करते हैं, ये वाली दो वायरें। तो देखिए फ्रेंड ये वाली हमने दो वायर कैपेसिटर के साथ अटैच कर ली हैं फ्रेंड। ये मैं पैनल बना के फुल आपको इसके साथ मोटर वगैरह जोड़ कर ओपन आपको वायरिंग बाकायदा तौर पर चेक करवाऊंगा। बहुत सारे भाई कहते हैं कि यार आप गलत कनेक्शन बताते हो, भाई ऐसा नहीं होता, आप वीडियो को मुकम्मल तौर पर वॉच करें, ठीक है, इंशाल्लाह कनेक्शन बिल्कुल सही और दुरुस्त होंगे, वो आपको बाकायदा चला के मैं चेक कराऊँगा, ठीक है। तो भाई आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि बहुत सारी इस टेक्निकल के रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं, ठीक है, ताकि आपको भी इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत ही रहनमाई मिल सके। तो हमने ये वक्ती तौर पर हमने कैपेसिटर को इस तरीके से जोड़ लिया है टाइमर के साथ। अब हमारे पास दो ये आखिर वाली दो वायरें बच गई हैं, ठीक है, इनको हमने छीलना है और सिंपली इनको मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये किधर किधर लगानी है, ठीक है। आपने ये वाली दो वायर लगानी है, बटन वाली दो वायर, ये दो लीडें हैं जो इकट्ठी हैं, ठीक है, ये इनके साथ वायर लगी हुई हैं और ये कट हुई हैं, ठीक है। तो हमने ये वाली दो वायर इनके साथ लगा देनी है। और एक और बात फ्रेंड्स, ये आप देख लें रेड इधर लगी हुई है और रेड बटन के साथ, ये हमने आपस में नहीं बुलानी, इस तरह कनेक्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। हमने टाइमर को देखना है, उससे मुताबिक कनेक्शन करनी है टाइमर के मुताबिक, ठीक है। तो हमने ये कलर वगैरह देख के एक दूसरे के साथ अटैच नहीं करनी। तो हमारी ये आखिरी दो वायर हैं, हम दो वायर इस बटन वाली के साथ दोनों के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने बटन वाली दो वायर के साथ अटैच कर ली है इनको, ये देख सकते हैं, ये बटन वाली दो वायर के साथ हमने इसको अटैच किया है। तो बहुत सारे भाई की समझ पे ये बात नहीं आती, ये वायर क्या काम करती हैं। जो बटन वाली वायर होती है वो राइट साइड मोटर को और लेफ्ट साइड वो घुमाती है मोटर को, ठीक है, और ये राइट और लेफ्ट वाली ये वायर होती हैं, ठीक है, जो टाइमर से होकर से इधर डायरेक्ट इधर लग जाती हैं। तो फ्रेंड अभी टोटल हमारे पास एक वायर बच गई है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक वायर ये वाली बची हुई है, तो इसका मैं कंप्लीट आपको प्रोसेस अभी चला गया दिखाता हूँ। तो ये हमारी टाइमर की वायरिंग मुकम्मल हो गई है, अभी हम इसको मुकम्मल जोड़ेंगे, मोटर इसके साथ अटैच करेंगे और चलाएंगे। इनको मेन तारें कौन सी लगानी है, किधर से लगानी है और मोटर की वायर किधर अटैच करनी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जो बोर्ड है इसको इस पैनल में फिट करते हैं, उसके बाद हम मोटर की वगैरह की सेटिंग करते हैं, और वीडियो को एंड तक बने रहें। तो देखिए फ्रेंड, इसको हमने इसमें बोर्ड को फिट कर लिया, ठीक है, पैनल में। तो हमने आगे इधर बटन वगैरह भी लगा लिए हैं, नाफ वगैरह हमने लगा लिया, और अभी हम इसके मोटर, तो ये हमारे पास मोटर है, ये आप देखिए ये हमारे पास मोटर है। तो पैनल को फिट करते हैं, तो ये जो है दो वायर कैपेसिटर वाली हैं और एक वायर जो है वो कॉमन है।
ठीक है, ये वाइट वायर ये कॉमन है और ये दो कैपेसिटर वाली हैं। तो आप मोटर के ऊपर देखेंगे फ्रंट, इधर डायग्राम बनी होती है, ये देखिए ये इस पे डायग्राम नहीं बनी हुई, वैसे डायग्राम बनी होती है फ्रंट। तो जो दो कैपेसिटर वाली वायर है वो हम एक इसके साथ और एक इसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो मैं अटैच कर लेता हूँ। तो फ्रेंड इस सारी वायरिंग में हमारे पास दो वायर मुकम्मल तौर पर अभी रहती हैं, और एक ये घंटी वाली दूसरी वायर है, ठीक है, और एक हमारे पास ये वाली वायर है टाइमर की एक वायर, ठीक है। तो हमारी वायर जो घंटी वाली दूसरी वायर है ये वाइट वाली वायर है, ये आप देख लें, और ये मोटर के साथ भी कॉमन वाली भी वाइट ही वाली वायर है, ठीक है। तो इन दोनों को हम आपस में अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड इसको हमने आपस में अटैच कर दिया है, और इनके ऊपर हमने कैपेसिटर वाली के ऊपर थोड़ी सी सिलेंडर टेप लगा दी है ताकि ये आपस में करंट वगैरह क्रॉस ना हो, ठीक है। तो अभी हम इसके साथ मेन लीडें जो बाहर से आती है करंट 220 वोल्ट वाली वो अटैच करते हैं। वो आपने एक इसके साथ अटैच कर देनी है, और एक आपके पास वायर टाइमर वाली वायर होगी ये वाली, इसको हम कॉमन वायर बोलते हैं, ठीक है, हम इसके साथ अटैच कर देंगे। तो अभी मैं इसको दूसरी मेन लीड लगा कर अटैच करता हूँ और पैनल बोर्ड को सीधा करता हूँ, फिर चला के आपको चेक कराता हूँ। तो फ्रेंड देखें, इसको मैंने पैनल को सीधा किया, और ये जो दो वायर हैं ये मैंने मेन, ये देखें ये हमारे पास मेन वायर है बाहर वाली, इसके साथ अटैच कर लिया। अभी हम पैनल को सीधा करते हैं, ये देखें फ्रेंड हमने सीधा कर लिया। अभी हम पैनल को चलाएंगे और आपको चेक कराएंगे। तो सबसे पहले मेरी भाइयों से गुजारिश है कि भाई मेरे वीडियो को लाइक कर दें। तो देखें फ्रेंड हमने लीड को इधर लगा लिया है बोर्ड में, तो अभी हम चलाएंगे, ये हमारा पैनल रेडी हो चुका है, तो हम इसको चलाएंगे टाइमर से। देखिए फ्रेंड हमने टाइमर को जो ही घुमाया और मोटर ये चलने लगी, ठीक है। तो अभी देखें, ये देखें फ्रेंड, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।